ओके गाइज, तो वेलकम बैक अगेन टू गुरु एडी चैनल। गाइज, इस वीडियो में आप लोग सीखोगे गाइज फोटोशॉप जैसा सीबी एडिटिंग करना अपने मोबाइल में। तो गाइज एडिटिंग आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगा समझाते हुए कैसे करना है, फेस स्मूथ से लेके ड्रेस चमक से लेके बैकग्राउंड चेंज से लेके सारा चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। एंड गाइज, अभी तक मुझे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराया तो गाइज फॉलो कर लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मेरा पोस्ट पसंद आए, रील पसंद आए कुछ भी, तभी फॉलो करना, लाइक करना, पढ़ना मत करना। चलिए यार, वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ऑटोडेस्क में अपना ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइज, बैकग्राउंड ओपन करने के बाद प्लस एड फोटो में आके अपना जो मॉडल है उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस, मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड जो है पहले से इरेज करके रखा हुआ है, जिससे आप लोगों का वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता अपने फोटो का, तो गाइस बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, हर वीडियो में बताऊँगा बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर गाइस आपको ऐड करने के बाद एक एम्प्टी लेयर बनाना है अपने मॉडल के नीचे, और कलर आपको सेलेक्ट करना है ब्लैक, और गाइस ब्रश आना है आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, देखो ये वाला। ओके, ट्रेडिशनल में। एंड गाइज, यहाँ से साइज सेट करके कुछ इस तरीके से हम अपने शैडो यहाँ पर बना देंगे। बस शैडो तो हम नहीं बना रहे, फिर भी वो डार्क कर देंगे ना पार्ट, तो हमारा शैडो बन जाएगा एक इफेक्ट, मतलब हमारा फिक्स नहीं लगेगा कि हमने अलग से लगाया है, ठीक है। एंड गाइज, शैडो बनाने के बाद सिंपल हम एक और एम्प्टी लेयर बनाएंगे, एंड इस एम्प्टी लेयर का ब्लेंडिंग मोड हम चेंज करेंगे और इसे करेंगे सॉफ्ट लाइट पे। अब गाइज कलर में आना है, कलर आपको कॉपी कलर सेलेक्ट करना है ये वाला, देखो ऑरेंज कलर, एंड इसके में फर्स्ट नंबर पर कलर। ओके, अब फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको चलना है ब्रश में, एंड इस बार आपको ब्रश सेलेक्ट करना है ये वाला, एंड इसका साइज आप लोग अपने हिसाब से रख लेना, जितने पे आपको कंफर्टेबल मतलब साइज लगे उतना ही, मतलब मैं तो कहूँगा जितना छोटा से छोटा साइज हो उतना आप ब्रश का साइज छोटा रखें, जिससे आप लोगों को काम करने में आसानी होगा। ओके, तो इस तरीके से अपने स्किन के ऊपर फिर अप्लाई करना है आप लोगों को, एंड फिर आपका स्किन काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्लो होने लग जाएगा। अप्लाई करने के बाद गई चलेंगे हम लेयर वाले ऑप्शन पे, एंड इस लेयर का हम ओपेसिटी को डाउन करेंगे, एंड देखेंगे हमारे स्किन पे कहाँ पर परफेक्ट लग रहा है वहीं पे आपको रख लेना है। एंड सिंपल गाइस, यहाँ से मर्ज कर देंगे इसको। अब मर्ज करने के बाद गाइस अब करेंगे हम अपनी स्किन को स्मूथ, तो स्किन स्मूथ करने के लिए हम अपने लेयर का डुप्लीकेट बनाएंगे पहले। एंड गाइस ब्रश में आएंगे, ब्रश गाइस आप लोगों को सेलेक्ट करना है इस मर्ज ब्रश ये वाला फर्स्ट नंबर पे, एंड इसकी सेटिंग में आके गाइस जो मैंने सेटिंग यहाँ पर रख रहा हूँ वहीं आपको भी रखना है, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, जिससे भूल ना पाओ, ठीक है। एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से देखना जहाँ मर्जी, एंड फिर इस तरीके से आप लोगों को अपना स्किन यहाँ पर स्मूथ करना है। अब भाई हमारा यहाँ पर स्किन भी स्मूथ हो चुका है काफ़ी अच्छे से, बट हमारा लिप्स जो है अभी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, तो हम लिप्स को पिंक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम गाइस एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड गाइस मल्टीप्लाई पे कर देंगे चेंज करके, एंड नॉर्मल कलर में आएंगे, एंड इसके अंदर गाइस ऑरेंज कलर जो भी आपको कलर रखना है लिप्स पे वो कलर ले लेना है, एंड यहाँ पर साइज आप लोग सेट करके ब्रश का वही ब्रश रखना है आप लोगों को, एंड इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर पेंट करना है आप लोगों को। ओके, तो पेंट करने के बाद गाइस लेयर में आएंगे, इसका ओपेसिटी हम डाउन करेंगे, एंड देखेंगे कहाँ पर परफेक्ट है, ना ज़्यादा ओवर लगे ना ज़्यादा कम लगे, ठीक है, तो मीडियम रखना आप लोगों को। एंड इस तरीके से हमारा जो है ऑटोडेस्क में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो सारे लेयर को हम मर्ज कर सकते हैं अब, एंड लेयर को मर्ज करने के बाद हम यहाँ से अब जो है शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। एंड गाइस हम रीटचिंग करने के लिए गाइस चलेंगे हम अपने Adobe Lightroom एप्लीकेशन में। तो गाइज यहाँ से मैं अपने Adobe Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा, एंड ऑल फोटोज़ में आना है आप लोगों को, एंड प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। बाय द वे मैंने पहले से ऐड कर रखा है यहाँ पर अपने फोटो को। एंड गाइज फोटो को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला वर्क होता है हमारा लाइट का एडजस्टमेंट, तो हमें लाइट को ठीक करना है अपने फोटो में कहीं पर, क्योंकि ज़्यादा डार्क है कहीं पर ज़्यादा लाइट है, तो वो सब ठीक करना है मैनेज। एंड इस तरीके से लाइट आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से देख लेना है, जैसे मैं यहाँ पे गई सेट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। ओके,
ओके तो गाइस बट हमने जो शैडो को बढ़ाया 100% तो ये नीचे में जो हमने डार्क करा था शैडो बनाया था ना ऑटोडेस्क में वो हमारा रिमूव हो गया, मतलब पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया, तो उसको हम ठीक करेंगे आगे, टेंशन मत लो। तो इस तरीके से हम लाइट को जो है ठीक कर लेंगे एंड एक करने के बाद सिंपल डन कर देंगे। अब डन करने के बाद गाइस चलेंगे कलर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर हम चाहे तो वाइब्रेंस बढ़ा सकते हैं, जो भी हमारे मतलब इमेज में फीके कलर है ना वो थोड़े से कलर निखर जाएंगे काफ़ी अच्छे से। आपको आना है मिक्स कलर में। अब मिक्स कलर में जो गाइस हमने टी शर्ट पहन रखा है इस कलर को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसका ह्यू चेंज करके देखेंगे एंड सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं, एलिमेंट्स कम। हमारा ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है बट बैकग्राउंड थोड़ा सा गंदा हो गया, तो उसको हम देखते हैं कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लू कलर पे चलते हैं एंड इसका भी हम लुमिनेंस कम करेंगे, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा कलर। सैचुरेशन बढ़ाएंगे बट गाइज ये कलर नहीं हट रहा था बैकग्राउंड से, तो मैं इसका सैचुरेशन ही को माइनस कर देता हूँ। ओके अब गाइज एक्वा कलर पे आना है, एक्वा कलर का ही सैचुरेशन बढ़ाना है, लुमिनेंस कम करना है एंड गाइज लुमिनेंस में सारे कलर का इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा बैकग्राउंड में। एंड जो हमारा फेस का कलर होता है ऑरेंज कलर, उसका लुमिनेंस आप कम मत करना, उसका बढ़ाव और लेना, क्योंकि ठीक है अगर आपका फेस डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बाकी आप अपने बैकग्राउंड को डार्क रख सकते हो। अब गाइज यहाँ पर हम क्लियरिटी बढ़ाएंगे अपने फ़ोटो में एंड यहाँ से विग्नेट को कम करेंगे, देखेंगे शैडो हमारे फ़ोटो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हमने बनाया था नहीं आ रहा, यहाँ से भी करने पर अभी पूरा नहीं आ पा रहा। तो इसका गाइज एक ही सॉल्यूशन है कि आपको सिलेक्टिव टूल में चलना होगा। सिलेक्टिव टूल में गाइज चल के आप लोग अपने शैडो जो है वापस लेके आ सकते हो, जो आपका शैडो यहाँ पर गायब हो चुका है। ओके तो इस तरीके से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके रेडायल वाला ये ले लेना है एंड इस तरीके से आपको सेव करके इसका ब्राइटनेस एक्सपोजर जो है कम करेंगे, तो देखो शैडो आपका आ गया वापस से। ओके तो यहाँ से गाइस सिलेक्टिव टूल की मदद से काफ़ी आसानी से जो भी चीज़ मतलब आपके फ़ोटो में कमी लगता है वो पूरा कर सकते हो, सिलेक्टिव टूल इसलिए दिया जाता है। ओके तो यहाँ पर हमारा लाइटिंग का कंडीशन थोड़ा सा और अभी लग रहा है यहाँ पर करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके तो गाइस अब मेरा देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है लाइटिंग का एडजस्टमेंट। यहाँ पर मैं चल के थोड़ा सा डीहेज बढ़ा लेता हूँ फ़ोटो में, क्योंकि कंट्रास्ट थोड़ा सा मैंने माइनस करा था तो डीहेज बढ़ाना पड़ेगा एंड देख सकते हो हमारा फाइनल लुक अब ये आया है। ओके तो गाइस हमारा जो है फोटो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक करो या मत करो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।